नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। बच्चों में प्रतिभा का सही मापदंड क्या होता है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना आसान नहीं है, क्योंकि हर बच्चे में कुछ ना कुछ प्रतिभा छुपी होती है। जरूरत होती है उसे टटोलने की और उसे सही राह दिखाने की, और तब जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है वो जिम्मेदारी बढ़ती है विद्यालय के संचालकों पर और अध्यापकों पर। लेकिन वर्षों से आम तौर पर विद्यालय में नामांकन के दौरान एक ही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। बच्चों के बौद्धिक क्षमता का मूल्यांकन के लिए विद्यालय अपने सिलेबस के अनुसार प्रश्न बच्चों को देती है, और ऐसे में कई ऐसे प्रतिभावान छात्र होते हैं जिन्होंने उस सिलेबस की पढ़ाई की ही नहीं होती है, तो उनके लिए उनकी प्रतिभा का पहचान करना मुश्किल हो जाता है। और इसी के निराकरण के लिए पलामू के मशहूर विद्यालय आवासीय संत मरियम स्कूल में एक नई पहल की गई। अब संत मरियम आवासीय विद्यालय में नामांकन लेने के लिए छात्रों को प्रश्न पत्र से संबंधित सिलेबस और प्रश्न पत्र प्रदान किया जाएगा। एक महीने तक छात्र उसे पढ़कर परीक्षा देंगे, और उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद ही संत मरियम आवासीय विद्यालय में उनका नामांकन हो सकेगा। विद्यालय के चेयरमैन अविनाश देव, प्राचार्य आदर्श कुमार समेत अन्य शिक्षकों ने इस नई पहल का आज शुभारम्भ किया और बताया कि जनवरी से मार्च के बीच 3 बार नामांकन परीक्षा ली जाएगी, लेकिन उससे पहले छात्रों को विद्यालय द्वारा बनाया गया सिलेबस और प्रश्न पत्रों को लेकर 1 महीने तक अध्ययन करना होगा। उसके बाद ही छात्र परीक्षा देकर उसमें अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन कर सकेंगे। अच्छे अंक लाने वाले बच्चों को विद्यालय की ओर से स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। वहीं मेधावी दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ पुस्तकें, ड्रेस समेत परिवहन की सुविधा भी दी जाएगी। विद्यालय के चेयरमैन अविनाश देव ने बताया कि अब आवासीय विद्यालय में नामांकन लेने से पहले छात्र के अभिभावक छात्रावास में जाकर पहले छात्रावास का निरीक्षण करेंगे, छात्रावास में रह रहे बच्चों से छात्रावास में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानेंगे, इसके बाद ही छात्रावास में नामांकन हो सकेगा। 2024-25 का नामांकन सत्र शुरू हो रहा है। नामांकन सत्र में बच्चों के लिए मेधावी छात्र के स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है। जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम निकालेंगे 28 जनवरी को एंट्रेंस एग्जाम होगा। स्कूल ऑफिस में उनका 7 बजे से लेकर 5 बजे तक ऑफिस खुला रहेंगे और उनको सिंपल क्वेश्चन पेपर मिलेगा। 1 महीने वो तैयारी करेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, इसके बाद वो एंट्रेंस एग्जाम देंगे। अगर बच्चे 90% लाते हैं या तो उनको एडमिशन में भी 10% से मिलेगा, और उनको मतलब फीस में उनको 10% से मिलेगा। हम लोग कोशिश करें मेधावी छात्रों को मतलब उनको आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास चल रहा है। तो चयन पहले कर लें कि बच्चा मेधावी है कि नहीं, क्योंकि गरीब होना अलग बात है, लेकिन मेधावी के लिए हम लोग को एग्ज़ाम लेना, ये चयन के लिए बहुत हम लोग को सहूलियत होगी। इसलिए हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी किए हैं, एंट्रेंस की तैयारी किए हैं, ताकि जब हमको होगा कि बच्चा मेधावी है उसको बहुत सहूलियत देंगे। और ऑलरेडी संत मरियम स्कूल बराबर बच्चों को देते रहती है। अगर पेरेंट्स ने एक बार अच्छे से रिक्वेस्ट कर दिया और हम लोग को लगता है कि वो सचमुच में गरीब है, तो हम लोग बहुत हद तक उनको फी ये करते हैं।